नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। क्या है आज की बड़ी खबर? बड़ी खबरों में फिर से अखिलेश यादव हैं। गठबंधन के फैसले को लेकर या सीट बंटवारे को लेकर नहीं, अवैध खनन के मामले को लेकर। इस मामले में अखिलेश ईडी के रडार पर आ गए हैं। ईडी ने सीबीआई की शिकायत पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। केस के लपेटे में पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति भी आए हैं। इनके खिलाफ भी अब जांच होगी। दूसरी बड़ी खबर, बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम, उसको कत्ल के मामले में आज पंचकुला स्थित सीबीआई कोर्ट ने सजा सुना दी है। गुरमीत राम रहीम को अपने सहयोगियों समेत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये साल 2002 का मामला है जब पत्रकार रामचंद्र छत्रपति का सिरसा में उनके घर के बाहर कत्ल कर दिया गया था। खबरों में बीमारी भी है, क्योंकि अमित शाह और अरुण जेटली अस्वस्थ हैं। अरुण जेटली इलाज के लिए अमेरिका गए, खबरें आई कि उन्हें कैंसर हुआ है। दुआ में राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लिखा कि हम आपके और आपके परिवार के साथ हैं, जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। खबर ये भी आई कि अरुण जेटली वापस आ जाएंगे और अंतरिम बजट वही पेश करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के ट्वीट के उलट कांग्रेस के एक नेता बी के हरिप्रसाद ने घटिया ट्वीट किया। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के स्वाइन फ्लू की बीमारी का मजाक बनाया। कहा कर्नाटक में सरकार गिराने की कोशिश हुई और उसी की वजह से ये बीमारी हुई। सिलसिला यही नहीं रुका, अमित शाह की बीमारी पर कई ट्वीट आए जो कहीं से भी स्वीकार नहीं है। खुद को फेमिनिस्ट बताने वाली प्रियंका ने अमित शाह की बीमारी का मजाक बनाया। इससे एक कदम आगे चली गई क्विंट की पत्रकार स्तुति मिश्रा। उन्होंने लिखा, लोग स्वाइन फ्लू से मर रहे हैं, है ना? इशारा सीधे सीधे शाह की तरफ था। इस ट्वीट के बाद बवाल हुआ, फिर क्विंट ने माफी मांगी। कोई भी हो आप, किसी भी पार्टी के हो, किसी के भी समर्थक हो, किस तरह की घटिया भाषा है! आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आपको लगता है कि कोई गुनहगार है तो उसको सजा देने के लिए कोर्ट है। आप अपने घर में अपने बच्चों को यही बोलते हैं ना, बेटा उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। और हम खुद पब्लिक स्फीयर में कैसे बोलते हैं? और जब इस पर इतना बवाल कट रहा है तो भाजपा के नेताओं के भी पहले दिए गए घटिया बयानों का जिक्र हो रहा है। सबका जिक्र होना चाहिए, सबकी वाणी दुरुस्त होनी चाहिए। अगली खबर, गणतंत्र दिवस नजदीक है। 9 दिन के बाद हम अपने स्वतंत्र गणराज्य में कानून राज की स्थापना की खुशियां मनाएंगे। इन खुशियों पर आतंकियों की बुरी नजर है, जिसे देखते हुए एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। यूपी के हापुड़ से लेकर पंजाब के लुधियाना तक 3 लोग हिरासत में लिए गए, जिनसे पूछताछ चल रही है। आपको ध्यान होगा कि 26 दिसंबर को भी छापेमारी हुई थी। आईएसआईएस के एक मॉड्यूल का खुलासा हुआ था, जिसमें 10 लोग गिरफ्तार हुए थे। सूत्र बता रहे हैं कि उनकी निशानदेही पर ही ये छापेमारी हुई है। अब आज की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक धर्मगुरु पर साध्वियों से रेप का इल्जाम लगता है। किसी तरह हिम्मत जुटाकर शिकायत की जाती है, धीरे धीरे ही सही हंगामा खड़ा होता है, फिर शुरू होती है सच मालूम करने के लिए जांच और साथ में जांच धीमी करने की कोशिश भी। हम केरल के नन रेप केस की बात कर रहे हैं। इस मामले में जिन ननों ने रेप पीड़िता का साथ दिया था, उन पर दबाव डालने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। और इसमें लेटेस्ट है ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला, ट्रांसफर। क्या है ये नन रेप केस, पहले ये समझ लीजिए। जुलाई 2018 में 43 साल की एक नन ने इल्जाम लगाया। इल्जाम कैथोलिक चर्च के जालंधर डायोसिस के अध्यक्ष बिशप फ्रेंको मुलक्कल पर था। कहा कि बिशप ने 5 मई 2014 को उसके साथ रेप किया है। कहां किया गया ये रेप? केरल के एक गेस्ट हाउस में। नन ने आरोप लगाया कि 2014 से 2016 के बीच बिशप ने 13 बार उनका रेप किया और एफआईआर में भी इस बात का जिक्र हुआ है। इसके बाद आगे क्या हुआ? न चर्च में सुनवाई हुई, न पुलिस में। नन ने कहा कि चर्च उसकी शिकायत सुन नहीं रहा था, इसलिए उन्हें पुलिस के पास जाना पड़ा, लेकिन पुलिस का रवैया भी ढीला रहा। फिर 5 ननों ने उसी बिशप की गिरफ्तारी के लिए कोच्चि में धरना प्रदर्शन शुरू किया। उस प्रदर्शन में कई लोगों ने नन का समर्थन किया। फिर जाकर कुछ हरकत हुई और 20 सितंबर को पोप ने मुलक्कल को बिशप के पद से हटा दिया। पद से हटाए जाने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। तब तक इस मामले की शिकायत हुए 85 दिन बीत चुके थे। खबर आई थी कि एक गवाह है जो मरा मिला। 15 अक्टूबर को मुलक्कल हाईकोर्ट से बेल ले आए। जालंधर में फूलमालाओं से उनका स्वागत हुआ। रिहाई के 5 दिन बाद मामले में गवाही देने वाले फादर कुरिया कोसे की जालंधर में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। कुरिया कोसे के भाई का कहना था कि उनका कत्ल हुआ है। फादर कुरिया कोसे जालंधर की जो पीड़ित नन है,
उनके टीचर थे और उन्हें गवाही के बाद से ही धमकियां मिल रही थी। उन्होंने एक समाचार चैनल से कहा भी था कि उन पर गवाही न देने का दबाव है। हालांकि पुलिस ने यह भी कहा कि कुरियाकोसे के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले। इस मामले में अब क्या हो रहा है? रेप पीड़ित नन और उनके समर्थन में धरना देने वाली 5 और नन, सिस्टर अनुपमा, सिस्टर अंचिता, सिस्टर एल्फी और सिस्टर जोसेफिन, पिछले 5 महीनों से कुराविलंगड के सेंट फ्रांसिस मिशन होम में रहती हैं। इन 5 में से 4 ननों को 3 जनवरी से मिशनरीज ऑफ जीसस की सुपीरियर जनरल रेजिना कदम थोट की तरफ से ट्रांसफर ऑर्डर मिलने शुरू हुए। ये वही सिस्टर रेजिना हैं जिन्होंने दिसंबर 2018 में पुलिस को लिखा था कि कॉन्वेंट के पास पीड़िता की सुरक्षा के लिए पैसे नहीं है। सिस्टर अनुपमा को पंजाब के चामियारी जाने को कहा गया। इसी तरह सिस्टर अंचिता को केरल के कन्नूर, सिस्टर एल्फी को बिहार और सिस्टर जोसेफिन को झारखंड ट्रांसफर किया गया है। 5वीं नन सिस्टर रोज का ट्रांसफर नहीं हुआ है। चर्च का कहना है कि ये ट्रांसफर 2017 और 2018 में हुए थे, अभी सिर्फ रिमाइंडर भेजा गया है। लेकिन सिस्टर अनुपमा का कहना है कि चर्च बदले की कार्रवाई कर रहा है क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई। उनका कहना है कि वो कॉन्वेंट छोड़ने वाली नहीं है। आगे बढ़ने से पहले नन का ये बयान सुनने लायक है जिसमें आत्मविश्वास की मात्रा कूट कूट कर भरी है। ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു സംരക്ഷണം തരേണ്ട അവർക്കൊരു അധികാരവും പണവും ഇല്ലാന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു ശിക്ഷ നടത്താനായിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അധികാരവും ഉണ്ടോ? അവരധികാരം അവർക്ക് വന്നേരം ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രതികാര നടപടി തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളതിനെ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്, പ്രതികാര നടപടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. अब लल्लनटॉप की बात, जरूरी बात। आप किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं, इस देश में कहीं भी रह सकते हैं और कोई भी आपसे अत्याचार नहीं कर सकता। किसी भी धर्म की आड़ में नहीं, कोई भी धर्मगुरु नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार वोटों की सियासत को एक किनारे रखे और सख्त फैसला ले, किसी भी तबके की नाराजगी के बारे में सोचे बगैर। एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि मेरे देश की हर लड़की अपने साथ हुए अत्याचार पर ऐसे ही बेखौफ होकर मुखर हो। बढ़ते हैं बड़ी खबर के दूसरे सेक्शन की तरफ। अब बड़ी खबर के अगले हिस्से के लिए चलेंगे मेघालय, जहाँ एक महीने बाद भी पानी से भरे एक गड्ढे से 15 लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। 13 दिसंबर को 20 आदमी मेघालय में एक रैट होल माइन में घुसे थे, वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। बाहर आई है तो एक तस्वीर जिसमें एक गहरे पानी में तैरती लाश नजर आ रही है। हमने 26 दिसंबर को अपने शो के सेक्शन आसान भाषा में आपको बताया था कि ये 20 लोग कोयला निकालने के लिए खदान में घुसे थे। जानते थे कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेघालय में कोयला नहीं खोदा जाएगा, लेकिन क्या करते, भूखे थे तो एक ऐसे गड्ढे में उतर गए जिसमें सैकड़ों फीट गहरी कई सुरंग थी। उस सुरंग में एक बार में एक ही आदमी दाखिल हो सकता था। 20 मजदूर बारी बारी से दाखिल हुए, फिर एक मजदूर की गलती से दीवार खिसक गई और खदान के बगल से गुजरती नदी को रास्ता मिल गया। नतीजतन पानी उस खदान में घुस आया। आनन फानन में 5 मजदूर बाहर आ गए लेकिन 15 फंस गए। और तभी से चल रहा है बचाव अभियान, अभी भी चल रहा है बचाव अभियान। इस मामले में नया क्या हुआ? वही जिसका डर था। भारतीय नौसेना के आधिकारिक प्रवक्ता ने ट्विटर पर 3 तस्वीरें शेयर की। ये 15 में से एक मजदूर की लाश की तस्वीर थी। ये तस्वीर नौसेना के एक अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ने ली। ये क्या होता है? एक तरह का रोबोट होता है जो गहरे पानी में उतर सकता है। ये लाश खदान के मुहाने तक लाई जा चुकी है और डॉक्टरों की निगरानी में अब इसे बाहर निकाला जाएगा। बाकी मजदूरों का अभी भी पता नहीं है। इस पूरे प्रकरण में बार बार थाईलैंड का जिक्र आ रहा है, ये गलत है। जब जब मेघालय हादसे का जिक्र होता है तब तब कहा जाता है कि थाईलैंड में गुफा के अंदर फंसे बच्चों और उनके फुटबॉल कोच को बचा लिया गया था। जो पानी भरा था उसे हिंदुस्तान के भेजे पंप से ही निकाला गया था। और यहाँ देखिए, कोई ये तक नहीं जानता कि खदान में फंसे मजदूर जिंदा है कि नहीं। ये कहना इसलिए ठीक नहीं क्योंकि दोनों घटनाओं में चुनौतियाँ अलग अलग थीं। पानी और गहराई दोनों जगह थी लेकिन अलग अलग। थाईलैंड में गुफा थी, मेघालय का मामला एक गहरी खदान का है। नौसेना ने ट्विटर पर लिखा है कि लाश 160 फीट की गहराई पर मिली, यानी 15 मंजिल की गहराई। ये गहराई थाईलैंड के मामले में नहीं थी। फिर थाईलैंड में कुदरत ने भी साथ दिया, बारिश धीमी पड़ गई फिर रुक गई। मेघालय में लड़ाई एक नदी से है,
पर इसका मतलब ये नहीं कि हम थाईलैंड से कुछ सीखे नहीं। जो एक सबक हम थाईलैंड से सीख सकते थे वो था तुरंत फैसला लेना। वहाँ पंप नहीं थे तो हिंदुस्तान से मंगा लिए, दुनिया भर से एक्सपर्ट जमा किए, पानी दोबारा गुफा में घुसने से रोकने के लिए चेक डैम बना दिए गए और पूरा मिशन इस तरह से प्लान किया गया कि बारिश के दोबारा शुरू होने से एक दिन पहले आखिरी बच्चा बचा लिया जाए। हर फैसला सेकेंडों में लिया गया। और हमसे कहाँ गलती हुई? हमने इंसानी जिंदगी के लिए वो कद्र नहीं दिखाई जो थाईलैंड में देखी गई। अवैध खदान में लोग घुसे कैसे, इसका जवाब नहीं था तो गजब की हीला हवाली का माहौल रहा। पहले पुलिस को खबर नहीं दी गई, किसी तरह पुलिस पहुंची और एनडीआरएफ के गोताखोर आए, तब पता चला कि पानी 70 फीट से ज्यादा गहरा है और फोर्स के गोताखोर 40 फीट से आगे नहीं जा सकते। फिर पानी बाहर निकालने के लिए बड़े बड़े पंपों की जरूरत थी। ये पंप मंगल ग्रह पर नहीं थे, ओडिशा में थे। लेकिन दो हफ्ते बाद जाकर एक चिट्ठी लिखी गई कि पंप भेजिए सरकार। बात हाथ से फिसलती देख कोल इंडिया से लेकर नौसेना तक मौके पर है, लेकिन सबसे बड़ी चूक वहीं हुई जहां ये हादसा होने दिया गया। काश कोई भीष्म मेघालय जाकर अपने तीरों से नदी को थाम पाता और 15 जाने बचा ली जाती। क्या करें, उम्मीदों को अब पौराणिक वाक्यों का ही सहारा रह गया है। मामले को 33 दिन बीत चुके हैं, एक लाश के बाहर आने के बाद लोगों का दिल बैठ सा गया है, लेकिन उम्मीदें अब भी नहीं हारी हैं, ना ही मजदूरों के परिवार वालों ने और ना ही बचाव दल के लोगों ने। दुआ हम भी यही करते हैं कि बचे हुए मजदूर सही सलामत बाहर आ जाएं। समय हो गया है हमारे अगले सेगमेंट यानी आसान भाषा का। आज आसान भाषा में आपको ब्रेग्जिट का बवाल समझाएंगे। ब्रेग्जिट का बवाल एकदम सही तुकबंदी फिट हो रही है, तो किस बात का बवाल है? थेरेसा मे का कौन सा प्रस्ताव है जो ब्रिटेन की संसद में गिर गया? और भारतवासियों को इन सब के बारे में जानकारी क्यों रखनी चाहिए? पहला सवाल, ब्रेग्जिट मामले में हुआ क्या है? ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग होना है। तारीख तय है 29 मार्च 2019, लेकिन अलग होने के लिए जिन शर्तों को पूरा करना है वही फाइनल नहीं हो पा रही है। ईयू से तलाक की शर्तें क्या होंगी, अलग होने के बाद कैसे रिश्ते होंगे, फाइनेंशियल मैटर्स का क्या सीन होगा, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन और ईयू को मिलकर तय करनी थी, जिस पर ब्रिटेन की संसद को मुहर लगानी थी। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने इसे लेकर एक प्रस्ताव पेश किया जो ब्रिटेन की संसद ने खारिज कर दिया। कुल 650 सांसदों वाली संसद में इस प्रस्ताव के पक्ष में 202 वोट पड़े, जबकि विरोध में 432 वोट। मोटी बात यह कि खुद थेरेसा की पार्टी के 118 सांसदों ने इस प्रस्ताव के विपक्ष में वोट डाला। और खबर यह भी है कि इसके बाद थेरेसा मे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया जो गिर गया। इसे आसान भाषा में और समझें तो घर से अलग होने का ऐलान तो कर दिया है, तारीख भी बता दी गई है, लेकिन कैसे अलग होंगे, अलग होकर घर कैसे चलाएंगे, ये तय नहीं हो पा रहा है और इसीलिए ब्रिटेन के लोग डरे हुए हैं। दूसरा सवाल, यूरोपियन यूनियन आखिर है क्या बला जिससे निकलने की चर्चा है? 28 देशों का एक समूह है, बिल्कुल ज्वाइंट फैमिली जैसा। पहले इन सब में खूब लड़ाई होती थी, दूसरा विश्व युद्ध भी इसी लड़ाई का एक हिस्सा था। फिर अकल आई थोड़ी सी, इसके बाद यूरोपियन यूनियन की नींव पड़ी, 6 देशों ने मिलकर इसकी शुरुआत की। फिर 1973 को यूनाइटेड किंगडम ने भी ईयू ज्वाइन कर लिया, जिसमें तय हुआ कि सब मिलकर रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापार करेंगे। अब ब्रिटेन इसी यूरोपियन यूनियन से निकलने की कोशिश कर रहा है। तीसरा सवाल, ब्रिटेन निकलना क्यों चाहता है, इसकी सुगबुगाहट कहां से हुई? ब्रेग्जिट, ब्रिटेन और एग्जिट से मिलकर बना, इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार पीटर विल्डिंग नाम के शख्स ने किया। वे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस नाम का थिंक टैंक चलाते थे। इसी थिंक टैंक का मानना था कि ब्रिटिशर्स आर बेस्ट, यानी कि वो जिस बड़ी सी फैमिली में रह रहे हैं उसमें वो सबसे अमीर हैं और ईयू के साथ रहने में ब्रिटिशर्स का घाटा है। इसी सोच पर उस वक्त के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने वादा किया था कि अगर कंजर्वेटिव पार्टी 2015 में चुनाव जीतती है तो वो इस पर वोटिंग करवाएंगे। अगला सवाल, फिर हुआ क्या? कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव जीती, 23 जून 2016 को वोटिंग हुई, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। पक्ष में ब्रेग्जिट के 51.9% लोगों के वोट पड़े और विपक्ष में 48.1%, यानी कि फैसला यूरोपियन यूनियन से अलग होने का हुआ। इस फैसले के वक्त काफी विरोध हुआ, विरोध को देखते हुए डेविड कैमरन तक ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।
अगला सवाल, आगे क्या? अब अलग होने का फैसला तो हो ही चुका है, तो अलग होने के लिए एक समझौता है, लिस्बन ट्रीटी। इसके आर्टिकल 50 में अलग होने वाली बात है। इसके नियम के मुताबिक अलगाव की स्थिति हुई तो इसकी शर्तें मानने के लिए दोनों पक्षों के पास 2 साल का समय होगा। अब थेरेसा ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बन चुकी थी। 29 मार्च 2017 को अलगाव की प्रक्रिया उनके सामने ही शुरू हुई। इसके 2 साल बाद यानी कि 29 मार्च 2019 को इसे पूरा होना है, लेकिन ब्रिटेन ने अभी तक प्रपोजल ही फाइनल नहीं किया है। ऐसे में एक अहम सवाल उठता है, जो कि है सवाल नंबर 6, कि क्या ब्रेग्जिट टल भी सकता है? जवाब है हाँ। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिसंबर 2018 में यह फैसला दिया था कि अगर ब्रिटेन चाहे तो अलग होने का फैसला रद्द कर सकता है, उसे बाकी के देशों से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सवाल यह भी आता है कि क्या अलग होने की तारीख बढ़ सकती है? इसका भी जवाब हाँ में है। डेडलाइन तक ठोस फैसला नहीं लेने की सूरत में ऐसा किया जा सकता है, दूसरे देशों की परमिशन के साथ। लेकिन थेरेसा मे ऐसा नहीं चाहती, वो 29 मार्च को ही निकल जाना चाहती हैं। संसद में थेरेसा मे अब नया प्रस्ताव सोमवार को पेश करेंगी। क्या ब्रेग्जिट को रोका या दोबारा से रेफरेंडम भी कराया जा सकता है, कई लोग पूछ रहे हैं। इन दोनों का जवाब भी हाँ है। रोकने के लिए सरकार को कानून बनाना पड़ेगा और दोबारा रेफरेंडम के लिए सरकार को पूरी प्रक्रिया फिर से दोहरानी पड़ेगी। आखिरी सवाल, इस मामले में राजनीति क्या हो रही है? लेबर पार्टी ब्रिटेन का सबसे बड़ा विपक्षी दल है। वो चाहता है कि पहले चुनाव हो जाएं, फिर वो डेडलाइन बढ़वाकर अपने हिसाब से EU के साथ ब्रेग्जिट की डील तय करें, और अगर चुनाव नहीं हो पाता है तो वैसी स्थिति में दोबारा रेफरेंडम करवाया जाए। लेकिन थेरेसा मे 29 मार्च को ब्रेकअप की तारीख फाइनल कर चुकी है। भारतवासियों को इस खबर पर क्यों नजर रखनी चाहिए? क्योंकि दोनों देशों के बीच कई तरह के ताल्लुकात हैं, कई भारतवासी वहां रहते हैं लाखों की संख्या में, और बिजनेस वाले रिश्ते तो हैं ही। हमारे यहाँ के हजारों स्टूडेंट्स वहां पढ़ने भी जाते हैं, तो ब्रिटेन में जो कुछ भी होगा भारत पर उसका असर पड़ेगा ही। सारे असरों की कहानी, सारे वाकियों की कहानी जो हमारी जिंदगी पर असर डालते हैं, आपको सुनाता रहेगा आपका अपना दी लल्लनटॉप शो। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।